ये इरोडोव का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें पैरामैग्नेटिक बॉल है जिसका वॉल्यूम बी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट का अलोंग द एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन अगर एक्स लो तो बी की वैल्यू दी हुई है बी जीरो ई रेज पर माइनस ए एक्स स्क्वायर। हमें पता लगाना है इस प्रॉब्लम में कि इस बॉल पे मैक्सिमम फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगेगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा जब उसका इस पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा उसका वैल्यू होता है डायपोल मोमेंट इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। किसी भी मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जब वेरिएबल होगा तो डायपोल मोमेंट को डीवी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना है डायपोल मोमेंट कितना होगा इस बॉल का। बॉल को मान रहे हैं कि ज़्यादा इसकी रेडियस बड़ी नहीं है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस, ये नेग्लिजिबल है, कम है, इसका डायमीटर इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो डायपोल मोमेंट जो इसका होगा वो मैग्नेटाइजेशन से लिंक्ड होता है। मैग्नेटाइजेशन होता है किसी भी मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी टाइम्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और ये मैग्नेटाइजेशन है। और इसको हम लिखते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच, म्यू की वैल्यू होगी म्यू आर इंटू म्यू जीरो। तो आप अगर बी मालूम है तो आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू मालूम है तो एम की वैल्यू आ जाएगी, तो एम की वैल्यू है साई टाइम्स बी अपॉन म्यू। और मैग्नेटाइजेशन का रिलेशनशिप है डायपोल मोमेंट से, डायपोल मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो मैग्नेटाइजेशन आता है, तो आपका डायपोल मोमेंट आ गया साई बी वी अपॉन म्यू। बी की वैल्यू रख दीजिए साई बी अपॉन म्यू बी जीरो ई रेस्ट पर माइनस ए एक्स स्क्वायर, और डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू भी निकाल लीजिए, वो होगा माइनस ट्वाइस ए एक्स बी जीरो ई रेस्ट पर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आया फोर्स का। अब इस फोर्स को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, सो दैट आप इसको जब जीरो रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए पहले आप डिफरेंशिएट करते हैं, सेम मेथड फॉलो कीजिए। इसका डिफरेंशियल आएगा, ये जो डिफरेंशियल आया इसको आप जीरो रखेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू आएगा वन अपॉन ट्वाइस रूट ए। आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए एक्स का, तो आपका इस पे इसको डबल डिफरेंशिएट करके आप मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, बेसिकली इसको मेथड डिस्कस करना था। तो एफ मैक्सिमम का वैल्यू आया माइनस वाई से वाई वी इंटू बी जीरो स्क्वायर ई रेस्ट पर माइनस वाइस ए अपॉन वाइस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा फोर ए इंटू एक्स का वैल्यू है वन अपॉन ट्वाइस रूट ए। तो ये आया आपका माइनस रूट ए साई वी अपॉन यू बी जीरो ई रेस पर माइनस वन अपॉन टू। इसको फर्दर सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करके आपका एफ मैक्सिमम ये आया, एफ मैक्सिमम का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मीन्स क्योंकि एक्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया था, तो एफ आपका एक्स के अपोजिट आ रहा है विच मीन्स अट्रैक्शन हो रहा है। बॉल पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, टोटल टेंशन जो आएगा स्ट्रिंग में उसमें तो वेट भी एडेड होगा, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स बोल रहे हैं वो ये आएगा। और इसका आप मॉडुलस ले लीजिए, इसका मॉडुलस ले लीजिए मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, एफ मैक्सिमम इक्वल टू ए अपॉन ई अंडर रूट साई वी बी जीरो स्क्वायर अपॉन यू। इसमें प्रॉब्लम में आपको ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू निकालना है, तो साई का वैल्यू हुआ, ये फर्दर सॉल्व करके आपका ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू आता है।